चलिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में हम देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सीधा पहले प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें देखते हैं कि अगर हमारे डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है ना, ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो स्लैश कॉलम इज इक्वल टू जीरो, तो सीधे हम वैल्यू डिटरमिनेंट की क्या लिखते हैं, जीरो। ये पहली प्रॉपर्टी हुई। ऑब्वियसली अगर किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो उसी रो या उसी कॉलम पे जब आप अपने डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो रिजल्टेंट हमेशा आपको क्या मिल जाएगा, जीरो। सेकेंड रिजल्ट पे आइए। अगर ऑल एलिमेंट, मतलब ऑल क्या, एलिमेंट ऑफ एनी टू रो स्लैश कॉलम, एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज स्लैश कॉलम्स, या तो रो के या कॉलम्स के इक्वल हो या फिर सेम रेशियो में हो, तो भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ये सेकंड रिजल्ट हुआ। मतलब अगर वो सारे एलिमेंट इक्वल हो जाएं या सेम रेशियो में हो जाएं तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। थर्ड आइए, तो दो तो रिजल्ट यही हो गए। अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट जीरो हो जाए तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, सही है ना। या फिर हम क्या कह दें कि कोई भी दो रो के एलिमेंट या कोई भी दो कॉलम के एलिमेंट इक्वल हैं, ठीक है ना, या वो सेम रेशियो में है तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। अच्छा, इसके बाद एलिमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑल रोज या कॉलम्स आर इन एपी, मे बी डिफरेंट एपी चलेगा, मे बी डिफरेंट और सेम सही है, तो भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया। मतलब अगर उसके सारे एलिमेंट की, मतलब अगर रो वाइज चलें, पहली रो के सारे एलिमेंट, दूसरी रो के सारे एलिमेंट, तीसरी रो के सारे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट एपी में आ रहे हो, या कॉलम वाइज चलें, पहले कॉलम के एलिमेंट, दूसरे कॉलम के एलिमेंट, तीसरे कॉलम के एलिमेंट एंड सो ऑन, ये सारे एपी में आ रहे हो, सेम एपी में आ रहे हो या डिफरेंट एपी में आ रहे हो, अगर ऐसा होगा तो भी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ रिजल्ट क्या है कि अगर कोई भी रो या कॉलम का के एलिमेंट सम ऑफ एलिमेंट्स में लिखें, मतलब एलिमेंट ऑफ एनी रो स्लैश कॉलम रिटर्न एज सम ऑफ आर एलिमेंट्स, तो हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट कैन बी ब्रेकन एज आर पार्ट, आर डिफरेंट डिटर्मिनेंट, देन डिटर्मिनेंट कैन बी ब्रेकन एज आर डिटर्मिनेंट। ठीक है, बट इसमें ध्यान रखिएगा, बट अदर
स्लैश कॉलम आर सेम इन ऑल डिटरमिनेंट। सही है ना, मतलब अगर आपका कोई एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स के सम में है तो आप अपनी डिटरमिनेंट को आर डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हो। सही है ना, बट ये जो आर डिटरमिनेंट आप ब्रेक करके लिखोगे उसमें उस रो या उस कॉलम को छोड़ के बाकी सारी रोज या कॉलम कैसी होंगी, सेम होंगी, आइडेंटिकल होंगी। क्लियर है। इसके बाद लास्ट जो प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कि अच्छा अगर हम कंजिक्यूटिव सेकेंड लास्ट, अगर हम कंजिक्यूटिव रो या कॉलम के मतलब किसी भी रो या कॉलम के कंजिक्यूटिव मतलब किसी भी डिटरमिनेंट के सॉरी किसी भी डिटरमिनेंट के कंजिक्यूटिव रो या कंजिक्यूटिव कॉलम के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं तो आपका डिटरमिनेंट माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपका डिटरमिनेंट माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी आफ्टर इंटरचेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव रोज स्लैश कॉलम देन डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। मतलब कोई भी दो कंजिक्यूटिव रो या कॉलम के एलिमेंट को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो जो आपकी डिटरमिनेंट होती है वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाती है। कोई भी दो रो के कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स को अगर आप चेंज करेंगे तो ठीक है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी होती है अगर आपने किसी डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लीकेशन बाय कांस्टेंट इन एनी डिटरमिनेंट तो को जो कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड विद एनी वन रो स्लैश कॉलम। मतलब अगर किसी डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो कांस्टेंट होगा वो किसी भी एक रो या एक किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। या इसका रिवर्स करें, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर कोई कांस्टेंट कॉमन है तो वो पूरी डिटरमिनेंट वैल्यू से बाहर आ जाएगा। ऑब्वियसली बाहर आना भी चाहिए क्योंकि उस रो या उस कॉलम जिस पे वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है अगर हम उसके रेफरेंस में उस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो वही कांस्टेंट पूरी डिटरमिनेंट वैल्यू से कॉमन होके बाहर आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? इसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है लास्ट वन, दैट इज सेवेंथ प्रॉपर्टी, कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट की किसी एक रो या कॉलम को किसी दूसरी डिटरमिनेंट या कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके रिप्लेस करें तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। मतलब इफ आर आई रिप्लेस बाई आर आई प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आर जे और सी आई रिप्लेस बाई सी आई प्लस न्यू टाइम्स ऑफ सी जे देन देयर आर नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट।
सही है ना। अच्छा बस इम्पोर्टेंट ये है, दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड एन माइनस वन रो स्लैश कॉलम एट सेम टाइम फॉर एन क्रॉस एन सिस्टम। मतलब अगर आपके पास एन रो और एन कॉलम है तो ये प्रॉपर्टी एन माइनस वन रो या एन माइनस वन कॉलम्स में साइमल्टेनियसली यूज की जा सकती है। अगर आप सारी रो या सारे कॉलम को एक साथ इंटरचेंज कर देंगे तो आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अदरवाइज आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और तो कुछ करना नहीं है इसमें, क्योंकि एक्स की सारी वैल्यूज ही तो आपको निकालनी है। तो पहला डिटरमिनेंट क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस 20 और आखिरी वाला आ जाएगा 7x इंटू इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देंगे माइनस वन एंड माइनस टू आ रहा है सर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से ये 10x आएगा और यहाँ से शायद माइनस का 7x आएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा और ये आ जाएगा 8। देखिए प्लस का 3x ही आ रहा है ना, और ये शायद आ जाता है 8 5 प्लस का 2। इसी को फैक्टराइज कर लेंगे तो ये x प्लस 1 x प्लस 2 में आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस 1 एंड 2। देखिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो किसी को तो देखने से क्या पता चल रहा है, अगर आप इस ओके ओके करोगे इस डिटरमिनेंट को तो बी बी माइनस ए बी माइनस ए सी बी माइनस ए फिर बी माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस ए। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा बी सॉरी सी ए माइनस सॉरी बी माइनस ए, यहाँ पे आ जाएगा बी बी माइनस ए, यहाँ पे आ जाएगा ए बी माइनस ए। ये आ गया डिटरमिनेंट ओपन होके। अब बताओ पहली वाली रोज कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है, बी माइनस ए, लास्ट वाले कॉलम से भी क्या कॉमन आ रहा है, बी माइनस। और आपने पढ़ा है अगर किसी भी कॉलम से कोई भी कांस्टेंट कॉमन आए तो पूरे डिटरमिनेंट से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो इसका मतलब बी माइनस ए पहले कॉलम से, बी माइनस ए दूसरे कॉलम से बाहर कर लेंगे। अब बचेगा बी ए सी, बी माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस ए सी बी ए। यहाँ तक आ गए कि नहीं आ गए। अब इसको डील करने के दो तरीके हो गए। एक तो आप ऐसे समझ लो कि हमने ये पढ़ा है ना कि किसी भी एक रो के या एक कॉलम के एलिमेंट जो सम ऑफ टू एलिमेंट में दिए हो तो हम उसको अलग अलग दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो पहला तो यही समझ लो कि अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में दो डिटरमिनेंट लिख सकते हैं बी ए सी बी ए सी सी बी ए, ठीक है ना, प्लस बी ए सी माइनस बी माइनस ए और सी बी ए। दो अलग अलग डिटरमिनेंट में हमने इसको ब्रेक कर दिया है ना। अब हम इस वाले डिटरमिनेंट से पूरा माइनस कॉमन करके बाहर कर सकते हैं क्योंकि तो माइनस भी तो कॉमन ही है ना। बोलिए अब देखो जरा ध्यान से, इस वाले डिटरमिनेंट में क्या है, सी वन और सी टू सेम है और इस वाले डिटरमिनेंट में क्या है, सी टू और सी थ्री सेम है। तो दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू इंडिविजुअली क्या हो गई, जीरो। अल्टीमेटली क्या आ गया, रिजल्ट जीरो आ गया। समझ में आया इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, इसमें हमने इस वाले डिटरमिनेंट को दो अलग अलग डिटरमिनेंट में ब्रेक कर दिया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। अच्छा यस सर। इसी क्वेश्चन को करने का एक मेथड ये भी हो सकता है, इसी क्वेश्चन को करने का एक मेथड ये भी हो सकता है कि अगर हम क्या करें कि सी वन को रिप्लेस कर दें सी वन माइनस सी थ्री से,
तो जो हमारा डिटरमिनेंट बनेगा b माइनस ए का होल स्क्वायर वो बन जाएगा b माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस ए, बी माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस ए बी सॉरी सी बी ए। अब हमने क्या देखा कि हमारा जो पहला कॉलम है C1 और जो दूसरा कॉलम है C2 दोनों के एलिमेंट इक्वल आ गए। और आपने पढ़ा है अगर दो किसी भी दो रो या कॉलम के एलिमेंट इक्वल आ जाते हैं तो भी आप उनको क्या रिप्लेस कर सकते हो, बोलिए, जीरो लिख सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं भाई, क्लियर है? अच्छा, यस सर। इसी को आप ऐसे भी सोच सकते थे, इसी डिटरमिनेंट को आप ऐसे भी सोच सकते थे कि आप क्या करते कि C2 को रिप्लेस कर देते C2 प्लस, C2 + C3 थी सर। यस ना, सर। तो भी ये रिजल्ट क्या आ जाता, बी माइनस ए का होल स्क्वायर बी ए सी, जैसी दोनों को ऐड करते तो बी ए सी सी बी ए, अभी भी ये दो रो क्या आ जाती सेम, और अभी भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती, जीरो। समझ में आया कि नहीं? तो प्रॉपर्टीज वाइज ये मतलब ये जो हमने कई सारे रिजल्ट लिख दिए हैं सब प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए लिख दिए, कर रहे हैं इनमें जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए जी, कोई नहीं, डिटरमिनेंट बी देखिए, बी प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी बी यस प्लस सर। सी। टू हाँ, आर वन। आंसर 2 सही है, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, कई मेथड से 2 ला देंगे। तो एक प्रॉपर्टी तो आपने सही सोची कि हम R1 या C1 किसी एक को रिप्लेस कर दें, किसको रिप्लेस कर दें, चलो R1 को ही रिप्लेस कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 से। हम R1 को ही रिप्लेस कर देते हैं किससे, R1 प्लस R2 प्लस R3 से। चलिए तो हम R1 को रिप्लेस कर देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से। ये एक मेथड है इस क्वेश्चन को सोचने का। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, जैसे हमने R1 को रिप्लेस किया R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो R1 तुरंत क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C। बोलो भाई, सही लिख रहा हूँ मैं, C प्लस A A प्लस B P प्लस C एंड ए प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। अब क्या होगा, इससे पूरे से 2 कॉमन करके बाहर कर लो, सही है ना, और ये बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, सी प्लस ए ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। इसके बाद क्या करो कि R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R1 से, ठीक है ना, R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R1 से, और R3 को भी रिप्लेस कर दो R3 माइनस R1 से। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी। हम मतलब इसको ए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जब इससे रिप्लेस करेंगे तो बचेगा बी, यहाँ बचेगा सी, यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा सी, यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा बी, वो भी सब माइनस के बचेंगे। बोलिए भाई, जब इससे इसको माइनस करेंगे तो सब माइनस 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 बचेंगे, पहले वाले से माइनस कॉमन करके बाहर करेंगे, दूसरे वाले से माइनस कॉमन करके बाहर करेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस, तो वो हट जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम अपने इस डिटरमिनेंट को 3 पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, ए बी सी, सही है, फिर बी सी ए, फिर सी, बोलिए भाई, इसको हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं बताओ, कर सकते हैं सर। 3 पार्ट में अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो पहले से ए ले लो, दूसरे से बी ले लो और तीसरे से सी ले लो। तो सी ए बी ये पहला पार्ट हो गया। अच्छा, दूसरा पार्ट जब इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ, भाई ए तो यहाँ ले लिया, अब क्या बचा, बी बी सी, फिर यहाँ ले लो सी सी ए, और यहाँ ले लो ए ए बी,
फिर अगले वाले में यहाँ ले लो सी बी सी, यहाँ ले लो ए सी ए, और यहाँ पर आप ले लो क्या बी ए पी। अब बताओ इसमें ये दोनों कॉल रो क्या हो गए सेम, इसमें ये दोनों रो क्या हो गए सेम, तो इस वाली वैल्यू की वैल्यू क्या हो गई जीरो, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई जीरो, तो ये क्या बचा टू टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए आ गया। इसका मतलब डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट बी, तो डिटर्मिनेंट बी बाई डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया टू। मतलब हमने कहीं भी डिटर्मिनेंट को ओपन नहीं किया है, समझ में आया, हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लेके उनको एनालाइज करने की कोशिश की है, ठीक है ना। और फिर से हम डेल्टा वन और डेल्टा टू को अलग अलग हैंडल करते हैं। तो डेल्टा वन को जरा ध्यान से देखो, बी सी ए सी प्लस ए, ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड ए बी सी, ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा बी सी ए सी प्लस ए, ए प्लस बी एंड बी प्लस सी एंड बी सी ए, तो बी सी ए सेम हो गया, ये वाला डिटर्मिनेंट क्या बन गया जीरो, खत्म हो गया। अब फिर से इसको दो पार्ट में अगर हम ब्रेक कर लें तो बी सी ए सी ए बी सी ए आ गया, और ऐसे ये आ गया बी सी ए सी ए बी, और सॉरी बी सी ए बी सी एंड ए बी सी, तो ये वाला डिटरमिनेंट फिर से क्या हो गया जीरो, सही है ना। अब इसमें अगर हम इंटरचेंज करें, सही है ना, हमें क्या चाहिए ए बी सी चाहिए, तो सबसे पहले हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लें, तो इंटरचेंज करेंगे तो पूरा डिटरमिनेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी सी ए बी सी सी बी ए, और फिर इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो फिर से माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ए बी सी ए सी ए पी, दिखा क्या। तो यही डिटरमिनेंट ए आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई। तो ऐसे ही डेल्टा वन आ गया, सेम एज हम क्या लिख सकते हैं, सेम एज हम डेल्टा टू में भी सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, सी ए बी में ब्रेक करेंगे, तो सी ए बी क्या हो गया जीरो, सही है ना। तो पहला वाला ब्रेक क्या बनेगा, सी ए बी सी, फिर ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और एक डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। अगली बार जब इसको ब्रेक करोगे तो ए बी सी में ब्रेक होगा, वो जीरो हो जाएगा, तो ये डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, सी ए बी सी और बी सी ए आ गया, सही है ना। अब इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ए बी सी सी ए बी सी ए, और फिर इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो फिर से माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो ये ए बी सी ए और सी ए बी आ जाएगा, यानी ये भी डेल्टा ए आ गया, सही है ना। इसका मतलब जो डेल्टा बी, मतलब जो डिटरमिनेंट क्या था बी था, जो डिटरमिनेंट क्या था भाई बी था, वो था डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, और दोनों डिटरमिनेंट किसके बराबर है ए के, तो टू डेल्टा ए आ गया। यहाँ से डिटरमिनेंट बी बाई डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई टू, तो इसको देखने का एक तरीका ये भी है। इसी क्वेश्चन में एक चीज आप और समझ सकते हैं, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कई बार डायरेक्ट यूज हो जाती है, दैट इज ए बी सी बी सी ए सी ए बी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है ए क्यूब प्लस, नहीं, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है थ्री ए बी सी माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ओपन कर लीजिएगा, कई बार ये डिटरमिनेंट डायरेक्ट यूज हो जाता है, तो इस सिमेट्रिक डिटरमिनेंट की वैल्यू भी आपके दिमाग में अगर है तो आपको डिटरमिनेंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वैल्यू भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, समझ में आया। मतलब सिमेट्रिक डिटरमिनेंट लिखाओ ए बी सी सेम साइक्लिक ऑर्डर में, बी सी ए और सी ए बी, तो इस डिटरमिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू होती है थ्री ए बी सी माइनस ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, तो आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हो, वही डिटरमिनेंट ओपन करके मैंने ऑब्जर्व किया है। समझ रहे हो कि नहीं भाई, यानी इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि अगर हमारा डेल्टा आर दिया हुआ है ऐसे एफ आर जी आर और एच आर,
और बाकी सारे फंक्शन कांस्टेंट दिए हुए हैं, सही है। और फिर हमने डेल्टा आर इक्वल टू वन से लेके एंड डेल्टा आर में सिग्मा लगाया, तो भाई यही वाला एलिमेंट तो चेंज होगा, एफ वन जी वन एच वन, अगली बार ये आएगा एफ टू जी टू एच टू, अगली बार यही आ जाएगा एफ थ्री जी थ्री एच थ्री। जैसे ही सारे डेल्टा को ऐड करोगे तो ये वाले तो सारे एलिमेंट सेम है, जब एक ही एलिमेंट बार बार चेंज हो रहा होगा तो सिर्फ वही एलिमेंट ऐड होता चला जाएगा, तो सिग्मा साइन वही लग जाएगा जाके कि नहीं। तो आर इक्वल टू वन से लेके एन एफ आर, आर इक्वल टू वन से लेके एन जी आर, एंड आर इक्वल टू वन से लेके एन एच आर, तो यहीं पे सिग्मा साइन हम लगा देंगे जाके, और बाकी सबको ऐसे ही जैसे लिखे हुए हैं वैसे लिखा छोड़ देंगे। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? बोलिए भाई, ये यहीं पे सिग्मा क्यों लग गया? क्योंकि यही सारे आर के फंक्शन थे, ठीक है ना। बाकी सारे रो या कॉलम के एलिमेंट कैसे थे? कांस्टेंट थे, तो इसीलिए जहां पे आर का फंक्शन था हमने डायरेक्ट वहां सिग्मा लगा दिया। क्यों? क्योंकि बाकी सारी रो और कॉलम के एलिमेंट कैसे हो रहे हैं? कांस्टेंट हो रहे हैं। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं भाई? बोलिए। चलिए भाई, जैसे ही डेल्टा आर लगाओगे क्या आएगा बताओ? डेल्टा आर में हमने सिग्मा लगा दिया आर इक्वल टू वन से लेके एन, चूंकि बाकी दो रो सेम है तो सीधा डेल्टा यहीं लग जाएगा, आर माइनस वन सिग्मा आर माइनस वन स्क्वायर और सिग्मा आर माइनस वन होल क्यूब, एन टू एन स्क्वायर थ्री एन क्यूब सिक्स, फोर एन माइनस टू थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन। तो हमें बस तीन सिग्मा अलग से निकाल के बताने, तो आर माइनस आर इक्वल टू वन से लेके एन आर माइनस वन, अगर सिग्मा देखो तो जीरो प्लस वन प्लस टू से लेके क्या ये एन माइनस वन तक जा रहा है, तो इसका सम हम एन माइनस वन इंटू एन बाई टू लिख दें, कोई प्रॉब्लम? ऐसे आर इक्वल टू वन से अगर हम आर माइनस वन का स्क्वायर देखें तो जीरो स्क्वायर वन स्क्वायर से लेके ये भी एन माइनस वन के स्क्वायर तक जा रहा है, तो यानी वन स्क्वायर से लेके एन माइनस वन स्क्वायर कंसेक्यूटिव आ गए, तो एन की जगह एन माइनस वन रख दो। बोलो भाई, डिवाइडेड बाय सिक्स। ऐसे ही लास्ट वाला क्या आएगा, सिग्मा आर इक्वल टू वन से लेके एन आर माइनस वन का क्यूब आ रहा है, तो जीरो क्यूब वन क्यूब से लेके ये कहाँ तक जा रहा होगा, एन माइनस वन के होल क्यूब तक, तो इसमें भी एन माइनस वन आ गया, तो एन माइनस वन इंटू एन बाई टू का होल स्क्वायर ये आ गया। अब ये सारी वैल्यूज बस उठा के रखनी थी आपको, तो पहली वैल्यू आ गई एन इंटू एन माइनस वन बाई टू एन और सिक्स, दूसरी आ गई एन इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन बाई सिक्स और टू एन स्क्वायर और फोर एन माइनस टू। ऐसी लास्ट वाली क्या आ गई, एन इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर बाई फोर और थ्री एन क्यूब इंटू थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन। इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। अब देखो क्या पहले कॉलम से एन इंटू एन माइनस वन बाई टू कॉमन आ रहा है, सोचो जल्दी से। अब तो सोच के बताओ यार, अब तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए, जैसे आप n इंटू एन माइनस वन बाई टू कॉमन करेंगे क्या बचेगा अंदर, वन, यहाँ बचेगा टू एन माइनस वन बाई थ्री, तो यहाँ बचेगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू, यहाँ n आ गया, ये आ गया टू एन स्क्वायर, ये आ गया थ्री एन क्यूब सिक्स, फोर एन माइनस टू और यहाँ आ गया थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन, सही है ना। और अगर हम सिक्स से और मल्टीप्लाई कर देते, सिक्स और कॉमन कर देते तो ये सिक्स आ जाता, ये फोर एन माइनस टू आ जाता और ये थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन आ जाता। दो रो सेम आ रही कि नहीं आ रही, देखो जरा, दो कॉलम के एलिमेंट सेम आ गए कि नहीं आ गए बताओ मुझे। देखो इन दो कॉलम के एलिमेंट डिटो सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो सीधा डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। यानी सिग्मा आर इक्वल टू वन से लेके एंड डेल्टा आर को हम क्या लिखेंगे, जीरो। क्या ये बात सबको समझ में आई, जीरो क्यों लिख रहे हैं बताओ? बस कॉमन लिया था, कॉमन लेने के बाद सेम बन गया था, दिखा क्या भाई? इसमें हमने क्या किया, सिक्स से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिक्स से डिवाइड कर दिया, वही चीज आ गई।
दो रो सेम बन गई, सीधा डिटरमिनेंट की वैल्यू सिंपलीफाई कर दी। तो कॉलम में वन 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 नजर आएगा, या हम कुछ कॉमन करके यहाँ वन 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 बना लेंगे, तो जहां भी सेम टर्म आएंगे उन्हीं को माइनस करके हम जीरो बनाएंगे, क्योंकि हम अल्टीमेटली अपने डिटरमिनेंट की किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे उस रो या उस कॉलम में हम उसको ओपन करें तो हमारा कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाए। तो जैसे हमको यहाँ वन 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 दिखे और हमें डिटरमिनेंट सिंपलीफाई करना है, तो तुरंत हम इस वन को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, तो तुरंत हम सी टू को क्या रिप्लेस कर देंगे बताओ, सी टू माइनस सी थ्री से, और सी थ्री को क्या रिप्लेस कर देंगे, सी थ्री माइनस सी वन से। बोलो भाई समझ गए कि नहीं भाई, रिप्लेसमेंट लगाओ तो तुरंत क्या बनेगा, वन ए बी सी प्लस ए स्क्वायर, वन माइनस वन जीरो, बी माइनस ए सही लिख रहा हूँ मैं, और ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर। बोलो भाई, और ये क्या आ जाएगा, वन माइनस वन जीरो, ये आ जाएगा सी माइनस बी, और ये आ जाएगा ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, ये बताओ। और अब तुरंत हमने देखा ये वन एक रो आ गया, एक रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आ गए, तुरंत हम इसी रो पे इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। जैसे रो C3 ट्रांसफॉर्म में C3 माइनस C1 करा था ना आपने, अच्छा C3 माइनस C1 किया वो, सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा, C माइनस A आ जाएगा, और माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर। अब ठीक है, अब इस रो पे हमने क्या देखा, इस रो पे हमने देखा मैक्सिमम जीरो आ गए, सीधा ओपन कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, ए बी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस टाइम्स ऑफ सी माइनस ए, ए सी माइनस बी सी, समझ रहे हो कि नहीं भाई, और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख लीजिए आराम से, अब यहाँ देखो बी माइनस ए कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन आपको आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आप बी कॉमन करेंगे तो ए माइनस सी आएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा बोलिए, प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए। ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ से सी माइनस ए कॉमन आएगा, और यहाँ से सी कॉमन करोगे तो आएगा ए माइनस बी, यहाँ से आएगा बी माइनस ए और बी प्लस ए। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो, तो ए माइनस बी एक माइनस कॉमन करके एडजस्ट करो, और उस माइनस को कॉमन करके सी माइनस ए कर दो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी माइनस ए कॉमन करोगे तो बी माइनस सी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सी माइनस ए करके ए माइनस बी कॉमन कर लोगे, और अंदर क्या बचेगा, सी माइनस बी माइनस ए। अब हम पूरे से क्या कॉमन करेंगे, ए माइनस बी और सी माइनस ए, अंदर क्या बचेगा, बी माइनस सी माइनस ए, माइनस सी प्लस बी प्लस ए। अब फिर से कुछ कुछ कैंसिल होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और ये टू बी माइनस टू सी आ जाएगा, तो टू टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। हमें यही प्रूफ करना था, क्या है प्रूविंग समझ में आई, सीधा जहाँ वन दिखा वहाँ हमने जी सकते थे। एक डिटरमिनेंट होता है वन ए ए स्क्वायर, वन बी बी स्क्वायर, वन सी सी स्क्वायर, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला डिटरमिनेंट है, दैट इज ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सही ना। इसी डिटरमिनेंट को हम ये भी लिख सकते हैं, वन ए ए आ गया तो बी सी, फिर वन बी सी ए, वन सी ए बी, सही है ना। अभी भी ये डिटरमिनेंट क्या लिखा हुआ है बोलिए भाई, अभी भी ये डिटरमिनेंट क्या लिखा हुआ है, सेम, अभी भी ये डिटरमिनेंट क्या लिखा हुआ है भाई, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, तो अगर आपको ये वैल्यू डाट चाहिए, इसको भी सॉल्व करने का तरीका तो सेम ही हो गया ना भाई, इसमें अगर हम वही करें C2 को रिप्लेस कर दे C2 माइनस C1 से, और C3 को रिप्लेस कर दे C3 माइनस C1 से, तो ये बन जाएगा 1 A A स्क्वायर 1 B माइनस A, B
वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही ना, सॉरी जीरो जीरो। अब पहले वाले कॉलम से हम ए माइनस बी कॉमन कर लें और इससे सी माइनस ए कॉमन कर लें, अंदर क्या बचेगा, वन ए ए स्क्वायर जीरो माइनस वन ए प्लस बी जीरो वन, और क्या बनेगा सी प्लस ए, दिख रहा है कि नहीं। अब हम इसको डायरेक्ट ओपन कर दें तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, ये आ जाएगा सी माइनस ए, और जैसे ही ओपन करोगे ये आ जाएगा माइनस सी माइनस ए, सॉरी। तो इसको भी प्रूफ करने का तरीका वही हो गया ना कि हम आर वन को किससे रिप्लेस, सॉरी आर टू को किससे रिप्लेस कर दें, आर टू माइनस आर वन से, और आर थ्री को किससे रिप्लेस कर दें, आर थ्री माइनस आर वन से। तो ये क्या बनेगा, वन बी सी बी प्लस सी जीरो, सी कॉमन ए माइनस बी, सी सी कैंसिल ए माइनस बी जीरो, बी कॉमन ए माइनस सी, बी बी कैंसिल ए माइनस सी, देखा क्या। अब सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम से ए माइनस बी और ए माइनस सी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, वन बी सी बी प्लस सी जीरो सी वन जीरो बी वन, दिख रहा है कि नहीं भाई। और अब हम सीधा पहले वाले कॉलम पे, पहले वाले कॉलम पे क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, तो ये ए माइनस बी ए माइनस सी, और यहाँ से सी माइनस बी आ जाएगा, सही है ना, बाकी सब जीरो आ जाएंगे। और जैसे इसको एडजस्टमेंट के साथ लिखोगे तो ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं भाई। तो वन बी सी बी प्लस सी वन ए सी ए प्लस सी वन ए बी ए प्लस बी दैट इज ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, सिमेट्रिसिटी के साथ लिखाओ तो ये वैल्यू होती है। क्या है प्रूफ, सबको क्लियर हुआ, सेम लॉजिक लगाया, जहाँ वन दिखा हमको वहीं पे हमने दो जीरो बना लिए। अब आप वो दो जीरो कैसे भी बना सकते हो, किसी से भी किसी को माइनस करके, और फिर दो जीरो जिस रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आ गए जिस कॉलम में, उसी कॉलम पे हमने इसको ओपन कर दिया, तो बाकी सारे पे तो जीरो ही हो गया, वन पे सीधा सी माइनस बी से मल्टीप्लाई हो गया और सीधा सिंप्लीफाई करके हमने आंसर लिख दिया। क्या ये बात सबको समझ में आई, ये बताइए।